यूसुफ, यूसुफ, मेरे बच्चे ख्वाब देख रहे हो? सलाम बाबा। सलाम मेरी जान। क्या नबी खुदा ने मुझे बख्श दिया, अंदर आने की इजाजत देंगे? अगर कुछ और करती तो कभी माफ नहीं करता। तुमने आशिकों का अंदाज अपनाया, जिसे चाहती थी उसे हासिल कर लिया। माफ कर देना, अंबिया इलाही की जेबो जीनत है। उम्मीद है कि मैं इस माफी की अहल करार पाऊंगी। जब कोई गुनहगार है ही नहीं तो माफी कैसी? कैसे आना हुआ? यूसुफ के इसरार पर आई हूँ। उसने ख्वाब देखा है और बेचैन है कि उसे आपके सामने बयान करे। यकीन है इसका ख्वाब मुकम्मल खैर और नेकी पर मुश्तमिल है। यूसुफ के ख्वाब में शैतानी अरवा का गुजर नहीं। अच्छा, तो क्या ख्वाब देखा बाबा की जान ने? मैंने ख्वाब देखा कि मैं और मेरे भाई सहरा में खेल रहे हैं। तेज हवाएं चल रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई खास ताबीर हो इस ख्वाब की। इसकी ताबीर के लिए कुछ गौर फिक्र करना होगा, शायद कुछ मेरे जहन में आ जाए। क्या आप लोग आज भेड़े चराने नहीं जाएंगे? अब जाइए ना। नहीं मालूम ख्वाब की ताबीर क्या थी जो याकूब ने सबके सामने बात करना मुनासिब नहीं समझा। वो तो जाहिर है बुद्धू, यूसुफ की बाकी भाइयों पर बढ़तरी और सरदारी। और क्या, इस ख्वाब की ताबीर तो बच्चों पर भी वाजे थी। वो सब रंजीदा हो गए थे। मुझे इनके जहनों से उसके गलत असरात को मिटाना होगा। यूसुफ को अपना ख्वाब सरेआम नहीं बताना चाहिए था। रोटी और खजूरें रख दो, थोड़ी देर बाद उनके पास जाऊंगा। आओ बेटा आओ। जो कुछ मैं तुम्हारे बारे में सोचता था ठीक था मेरे बेटे। मैं तुम्हें यह बशारा देता हूं कि तुम्हें मुस्तकबिल में बुलंद बाला मर्तबा और आला मकाम हासिल होगा और तुम अपने भाइयों पर सरदारी करोगे। मेरे बाबा इसहाक नबी ने मेरे हक में दुआ की थी कि खुदा मेरी नस्ल में बहुत से नबी करार दे। हमेशा से दिल चाहता था कि जान सकूं मेरी रिसालत का वारिस कौन है। उम्मीद है
कि मेरे मकसद को जारी रखने वाले तुम ही होगे। खुदा तुम्हें तमाम आफात अर्जी और समावी से महफूज रखे। शायद तुम वही हो जिसके हम मुंतजिर हैं। बाबा, ये नबुवत क्या होती है? मेरा खाना और लिबास तैयार करो। जानते हो रसूल खुदा की जानिब से लोगों की तरफ भेजे जाते हैं। वो लोगों को खुदा और फलाह बहबूद और कमाल की जानिब हिदायत करते हैं। अपने ख्वाब की ताबीर किसी को न बताना, खुसूसन अपने भाइयों को। क्यों बाबा? अगर तुम्हारे भाइयों को पता चल गया तो मुमकिन है कि उनके अंदर की हसद की आग मजीद भड़क उठे और वो तुमसे दुश्मनी पर उतर आए। तुमने तो मुझे परेशान कर दिया भाई। मेरा ख्याल है मुझे अब यूसुफ की और ज्यादा हिफाजत करना होगी।